नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली डूब गया। राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रों में भारी बारिश तो थम गई, लेकिन दोस्तों जबरदस्त बाढ़ ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। दिल्ली में बुधवार को यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया। इसके चलते आसपास के निचले इलाकों को अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पानी का जलस्तर बढ़ने से पुराने यमुना पुल से ट्रेनों को नई दिल्ली के रास्ते चलने के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। दोस्तों यमुना का जलस्तर इस समय 206.59 मीटर तक पहुंच गया है। जलस्तर में और वृद्धि की आशंका के मद्देनजर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। भयंकर बाढ़ बर्बादी देखी जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने दोस्तों बताया कि प्रभावित निचले इलाकों में बड़ी संख्या में सिविल डिफेंस वर्कर्स को तैनात किया गया है, ताकि जलस्तर खतरे के निशान के नीचे आने तक लोगों को घर वापस आने से रोका जा सके। यमुना के आसपास के इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि इन निचले इलाकों में कम से कम 37,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट अनिल बांका की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली प्रशासन ने लगभग 6500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है, क्योंकि पूरी तरीके से पानी भर गया है। लोगों के घर तक दोस्तों गिरने लगे हैं। हजारों घरों के अंदर दोस्तों पानी भर गया है, जिसके चलते लोग अपने सामान को लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारी आज सुबह 1 से 4 बजे पल्ला क्षेत्र में लगातार यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड करते रहे। अधिकारियों ने हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से सुबह 7 बजे तक लगभग क्षण में 1000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना दी है। बता दें कि 26 सितंबर की शाम करीब 5 बजे हथनी कुंड बैराज से 295,912 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उसके बाद में दोस्तों फिर से 96,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जिसके चलते हरियाणा यूपी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है। दिल्ली के अंदर यमुना नदी बेकाबू, हरियाणा के कई गांव खाली, साथ ही यूपी के अंदर भी यह नदी तांडव मचा रही है और फिर से भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी हो गया है। इस समय यूपी के अंदर कई नदियां उफान पर है। यूपी के अंदर गंगा, यमुना, गोरा, राप्ती, रोहिणी, सरयू सभी नदियां उफान पर है। गंगा की चपेट में आने की वजह से सैकड़ों घर दोस्तों गंगा नदी में समा गए हैं। धरती भी दोस्तों फटने लगी है, क्योंकि कटान तेजी से हो रही है, चारों ओर हाहाकार मच रहा है। वही बंगाल की खाड़ी से एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते अगले 2 से 3 दिन तक जमकर बारिश होने की संभावना। 3 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र भी शामिल हैं। साथ ही झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा असर रहने वाला है। तो अलर्ट रहे, सुरक्षित रहे, नदी नालों के पास भूल कर भी ना जाइए। नजारा देख सकते हैं किस प्रकार दोस्तों मिट्टी की जो कटान तेजी से हो रही है, और दोस्तों हजारों घर दोस्तों गंगा नदी में समा रहे हैं, और यमुना दोस्तों दिल्ली के अंदर बेकाबू होकर चल रही है। यमुना दोस्तों उफान पर है, जिसके चलते आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के आदेश हैं। जगह जगह दोस्तों अधिकारी तैनात कर दिए हैं, बाढ़ चौकियां बना दी गई और लोगों के लिए राहत शिविर कैंप भी बना दिए हैं। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।